स्टडी कैफे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे, मस्त अपने मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ होंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू अपना क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे। बिल्कुल आज आपके ही ऊपर डिपेंडेबल है पूरी की पूरी क्लास, क्योंकि आज आपसे पूछ पूछ कर क्लास को आगे की ओर बढ़ाऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा काफ़ी सारे आपको, जो आपको बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे बिल्कुल तहत से। देखिए फटाफट से जुड़ जाओ, पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेहा गुप्ता गुड आफ्टरनून, रामवीर गुड आफ्टरनून, वीरा गुड आफ्टरनून, ममता मीना गुड आफ्टरनून, मोनू गुड आफ्टरनून, रविंदर गुड आफ्टरनून, भाई आ गया रवि गुड आफ्टरनून, गरिमा उपाध्याय गुड आफ्टरनून, गरिमा कैसे हो, मीना हरियाणा गुड आफ्टरनून, रिंकू सोनी राम राम रिंकू कैसे हो भाई, सुनील गुड आफ्टरनून, बिल्कुल मोनू मीना। चलिए फटाफट से वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर देना, जिससे और भी स्टूडेंटों को इसका फ़ायदा मिल सके। कंटिन्यू अब हमारी क्लास आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, 2 मिनट आप लोगों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर और आपके हालचाल बताने के लिए। फटाफट से एक बार बता दीजिएगा आपके हालचाल कैसे, मस्त होना सब ठीक है। राज हेलो, अली गुड आफ्टरनून, कमल हेलो, मोजी शर्मा नमस्कार भाई, राज विश्नोई नमस्कार। फटाफट से जुड़ जाओ, जल्दी से जल्दी कंटिन्यू चलना है। मनीष शर्मा पाए लागू, अरे भाई खुश रहो। पूजा साहू गुड आफ्टरनून, अमित जल्दी से जुड़ जाइएगा। वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर भी आप लोगों को करना है, क्योंकि आप ही लोगों का प्लेटफॉर्म है द स्टडी कैफे, जिसको आप लोगों को ही आगे की ओर बढ़ाना है, स्टूडेंटों को इस पर जोड़ना है। मनीष चलिए सभी के हालचाल मस्त है, हाँ मनीष बहुत बहुत धन्यवाद। वीरा मेरी तबीयत पूछ रहे हो, मेरी तबीयत अभी नरम चल रही है, अभी हालत मेरी भी थोड़ी नाजुक चल रही है बदलते हुए मौसम के साथ। रोहित पटवारी और भाई इसमें जो टॉपिक है वो टॉपिक अपन तय बिल्कुल कंप्लीट पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जो भी चल रहा है वन और वन्य जीव दोनों में ही है, इसलिए आपको पढ़ने के लिए इसको बिल्कुल ज़रूरत है यहाँ पर। रोहित बिल्कुल बिल्कुल, चलिए फटाफट से आप लोग जुड़ जाइएगा और कंटिन्यू सामने देखते रहिएगा, जुड़े रहना, जवाब आपके देते रहना, कोई बात नहीं आए समझ में पूछना ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम, भारत के बारे में पढ़ रहे थे, और भारत में भी क्या पढ़ रहे थे हम, वन पढ़ रहे थे। आज वनों के अंदर हम जो मेन जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसका, वनस्पति का। ध्यान देना यहाँ पर आज जो चर्चा का विषय रहेगा वो क्या रहेगा, वनस्पति। आज हम चर्चा जो करने जा रहे हैं वो वनस्पति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो वनस्पति क्या होती है, सबसे पहली बात बिल्कुल जितने भी टॉपिक हो गए हैं उनके टेस्ट बिल्कुल होंगे ठीक है। चलिए बात करने जा रहे हैं आज हम किसकी, वन और वनों के अंदर भी बात किसकी करेंगे हम, आज वनस्पति की बात करेंगे। तो पहली बात तो सामने ये आती है कि वनस्पति होती क्या है, पहली बात हमारे सामने यहाँ से क्या आती है, हेमा गुजर गुड आफ्टरनून। देखो सबसे पहली बात हमारे सामने यहाँ पर क्या आती है कि वनस्पति क्या होती है, ये बात करें तो देखो ऐसे पेड़ पौधे, सीधी सी बात है बिल्कुल सिंपल सी, ऐसे पेड़ पौधे व वनस्पति जिनके उपजाऊ या जिनके होने में मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता ठीक है, और उनके बिना ही उगते हैं। यानी ऐसे पेड़ पौधे या वनस्पति जिनके उगने में मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता वह क्या कहलाती है, वनस्पति कहलाती है। ध्यान रखना, वे पेड़ पौधे जिनके लगने में मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता वनस्पति कहलाती है। वृक्ष घास झाड़ियां लताएं ये तमाम जो पार्ट होते हैं ये किसके होते हैं, ये सबके सब पार्ट किसके होते हैं भाई, ये पार्ट होते हैं आपके वनस्पति के। बात करें पेड़ पौधे ठीक है, और उनके उगने में यानी जो वो लगते हैं तो उनमें यहाँ पर मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, और जब यहाँ पर मनुष्य का कोई योगदान नहीं होगा तो वो क्या कराएगी, वनस्पति। एक बात बताओ, आपने पहाड़ों के पहाड़ देखे हैं क्या, पहाड़ देखे हैं ना आप लोगों ने, पहाड़ों के ऊपर पेड़ पौधे लगे होते हैं या क्या मनुष्य लगाने जाता है क्या वहाँ पर पेड़ पौधे, बताओ मुझे यस या नो, मनुष्य जाता है क्या वहां पर,
ठीक है, तो ध्यान देना वहाँ पर मनुष्य नहीं जाता है। बात की हमने यहाँ पर किसकी, बात की हमने यहाँ पर कि पहाड़ों पर, पठारों पर, इनमें जो पेड़ लगे होते हैं ये मनुष्य लगाने नहीं जाता। कभी वन क्षेत्रों में आपको किसी मनुष्य को वृक्षारोपण करते हुए देखा? मनुष्य वृक्षारोपण कहाँ करते हैं? मैदानों पर, सड़क के किनारों पर, घरों में, अपने खेतों में, यहाँ पर वृक्षारोपण करते हैं। पर्वतों पर, पठारों पर, चट्टानों पर, इन पर कभी वृक्षारोपण नहीं करते, बिल्कुल। तो बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं लगाता है, वहाँ पर वनस्पति अपने आप ही लगती है। और इस कंडीशन में जब वनस्पति अपने आप लगती है तो मेरे भाइयों ध्यान रखना, इसे हम क्या कहेंगे, वनस्पति कहते हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे लगने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता वह क्या कहलाती है, वह वनस्पति कहलाती है। सबसे पहली बात हमने यहाँ पर आज क्लियर की। देखो आज जो चर्चा का विषय हमारा रहेगा वो रहेगा एक एक वनस्पति का नाम हम देखेंगे, क्योंकि एग्जामों में काफ़ी बार यहाँ से ये नाम पूछे जाते हैं। किस प्रकार से, देखो सामने जैसे एग्जामिनर, देखो काफ़ी बार बहुत सारी वनस्पतियों के नाम था, पलास, खेर, महुआ, यहाँ की बहुत सारी वनस्पतियों की बात करता है वो, ठीक है। और हिमालय प्रदेश की वनस्पतियों की तो काफ़ी हद तक बातें करता है, ठीक है, रोजबूट, देवदार, चीड़, ठीक है ना, स्प्रूस, इनकी तो और भी ज़्यादा वो वहाँ पर बातें करता है। एग्जामों में आपने काफ़ी बार पढ़ देखा होगा कि पूछता है कि चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, रबड़ के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, देखा आप लोगों ने। काफ़ी बार आता है कि सर्वाधिक देवदार के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक सागवान के पेड़ों का विस्तार कहाँ पर है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, आई बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, इसी क्रम को लेते हुए हम देखेंगे यहाँ पर वनस्पति का नाम और साथ में उसका संबंध किससे और उसकी विशेषता क्या है। तो जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर नाम लिख दिया खेर। अब ये जो खेर है, खेर एक पेड़ है। अब ये खेर का जो पेड़ है वो किस काम में आता है, तो एग्जाम में अगर छोटा सा प्रश्न पूछ ले कि खेर के, ये खेर के पेड़ का क्या उपयोग है, या तो ये पूछ ले या फिर ऐसे पूछ ले कि भाई कत्था बनाने के काम में, कत्था बनाने के कार्य में, कत्था बनाने के कार्य में किसका प्रयोग किया जाता है, तो खेर के पेड़ का प्रयोग किया जाता है। अब दिमाग में बहुत सारे स्टूडेंट को तो यह आ रहा होगा भाई कत्था क्या होता है, बिल्कुल कत्थे के बारे में आप सब जानते हो, पान खाया कभी आप लोगों ने, ठीक है, पान के ऊपर चूना और कत्था नहीं लगाता क्या पान बनाने वाला, तो ये वह है। तो ध्यान देना यहाँ पर बात किसकी हो रही है, कत्थे की। कत्थे की बात करें तो हमने यहाँ पर बात किसकी की, खेर की, कि खेर के पेड़ की छाल से क्या बनाया जाता है, कत्था बनाया जाता है। और यह कत्था किस काम में आता है, पान के इनके ऊपर लगाने के काम में आता है। फटाफट से जवाब दो, पान खाया कि नहीं खाया, यस या नो? जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल अगर आपको लगता है कि क्लास में मजा आता तो शेयर भी कीजिएगा। देखिएगा यहां पर बात हमने की किसको लेकर, चलिए खेर को लेकर। अब दिमाग में आता है कि खेर भारत में सर्वाधिक कहां से प्राप्त होता है, तो यह भारत में सर्वाधिक प्राप्त होता है यूपी से। खेर भारत में सर्वाधिक कहां से प्राप्त होता है, यूपी से। और यूपी में भी यह फेमस है अलीगढ़ का, कहां का फेमस है, अलीगढ़ का। यूपी में भी यह फेमस कहाँ का है, अलीगढ़ का। ये खेर नामक जो पेड़ है वो फेमस है यूपी अलीगढ़। अरे आपने नाम सुना होगा पान कहाँ के फेमस होते हैं, पान फेमस होते हैं यूपी साइड के, और यूपी में भी अलीगढ़ का। तो इस प्रकार से आज हम एक एक पेड़ की यहाँ पर बात करेंगे, एक एक वनस्पति की यहाँ पर अलग से बात करेंगे, उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो नंबर एक पर हमने क्या पढ़ा, खेर। खेर किस काम में आता है, कत्ता बनाने के कार्य में आता है। और ये कहाँ पाया जाता है, यूपी में सबसे ज़्यादा खेर के पेड़ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से चलिए दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा प्लास। अगला पेड़ का नाम मैंने क्या लिखा, प्लास। प्लास का नाम आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा, प्लास का नाम आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सुना होगा। इस प्लास को अंग्रेजी या इसका वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम क्या है, तो इसे कहते हैं ब्यूटियो मोनोस्पेमा, ब्यूटियो मोनोस्पेमा। इसे क्या कहते हैं, ब्यूटियो मोनोस्पेमा कहते हैं किसे, प्लास को। देखो इसका वनस्पतिक नाम है प्लास का ब्यूटियो मोनोस्पेमा। ध्यान देना अगर बात करते हैं प्लास की, तो प्लास को जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। इसे जंगल की आग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं जंगल की आग। किसे, प्लास को। सर ये आग से मतलब क्या है,
आग से मतलब क्या है? क्या ये प्लास आग लगा देता है क्या जंगल में? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके जो फूल है किसके? प्लास के फूल। और जो प्लास के जो फूल होते हैं ना, इन फूलों का रंग होता है किसके समान? आग के समान। अब आ गई आपके बात समझ में। ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं, याद कर रहे हैं हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? प्लास की ब्यूटियो मोनोस्पेमा, इसका वनस्पतिक नाम है, पहली बात क्लियर हो गई। इसे कहते हैं जंगल की आग, ठीक है। अब जंगल की आग, जंगल की बात करें तो वही फॉरेस्ट, और आग का मतलब फायर, फायर ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से इसे पुकारते हैं, ठीक है। और इसके जो फ्लोर है, उस फ्लोर का जो कलर की बात करें, उसका कलर कैसा होता है? बिल्कुल फायर के जैसा होता है, आग के जैसा होता है। इस कारण इसे जंगल की आग कहते हैं। बिल्कुल रविंदर, इसे जंगल की आग के नाम से पुकारा जाता है। किसे? प्लास को। क्लियर हो गई आपकी बात यहाँ पर। अब देखो यह सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो यह सबसे ज्यादा फिर से वही आंसर आएगा, सेम, कहाँ पर पाया जाता है? यूपी में। और यूपी का राज्य पुष्प है ये प्लास। कहाँ का? यूपी का। यूपी का राज्य पुष्प किसे कहते हैं? प्लास को। भाई अब इसके ऊपर पिक आ नहीं सकती ना, इसके ऊपर दिख नहीं सकता, ये डिजिटल नहीं है, ये केवल अपना सिंपल बोर्ड है, तो इसके ऊपर आपको यहीं पर समझना पड़ेगा, ठीक है ना अभी? बिल्कुल। तो ध्यान रखना यह सबसे ज्यादा कहां पर है? यूपी में। और ध्यान रखना यूपी का राज्य वृक्ष भी यह कहलाता है, कौन? प्लास कहलाता है। देखो यहीं पर बात की हमने नंबर एक पर खेर की, और खेर के बाद में दूसरी बात हमने यहां पर किसकी की? प्लास की। तो आपका क्लियर हो गया, प्लास का वनस्पतिक नाम ब्यूटियो मोनोस्पेमा, क्लियर। दूसरी बात, जंगल की ज्वाला कहते हैं बिकॉज, क्योंकि इसके फूल होते हैं, इसके जो फ्लोर होते हैं उनका रंग बिल्कुल फायर के जैसे दिखाई देता है, जिस कारण इसे इस नाम से पुकारा जाता है। बिल्कुल रोहितास, गुड मॉर्निंग नहीं है बेटा, आफ्टरनून है, ठीक है। देखो यहाँ पर फटाफट से दूसरी बात भी हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई। यह प्लास सबसे ज़्यादा यूपी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? यूपी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा तेंदू। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्या लिखा? तेंदू। तेंदू का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों को तो इसका आंसर भी पता चल गया होगा। तेंदू का नाम देखते ही यहाँ पर पता भी चल गया होगा जो तेंदू है। कौन है? तेंदू। अगर मैं तेंदू की बात करूं तो बताओ ये तेंदू किस काम में आता है? तो तेंदू के जो पत्ते हैं, इसके पत्ते, इस तेंदू के पत्ते काम में आते हैं बीड़ी उद्योग में। बीड़ी उद्योग जानती हो ना, बीड़ी, सब बीड़ी क्या होती है, ठीक है। बीड़ी उद्योग में काम में आते हैं तेंदू के पत्ते। तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है मेरे भाइयों। तेंदू के पत्तों से क्या बनाई जाती है? तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि तेंदू ये बीड़ी किसके पत्तों से बनती है। तो तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनती है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सर्वाधिक तेंदू के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो बिल्कुल तेंदू भारत में सर्वाधिक पाया जाता है एमपी में, झारखंड में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इन राज्यों में इसका विस्तार है, या इन राज्यों में पाए जाते हैं। बिल्कुल मोनू, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है किसके पत्तों से? तेंदू के पत्तों से। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये तेंदू के पत्ते किस काम में आते हैं। तो तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के काम में आते हैं। क्लियर, ये बात की हमने किसकी? तेंदू की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटी सी चीजें ये आपको अगर पता नहीं पड़ी ना, तो एग्जाम में छोटे से बात भी आपको पीछे ला सकती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई स्टूडेंट किसी भी एक छोटी सी बात से पीछे रहे, ठीक है। ये बात हमने किसकी क्लियर कर दी? तेंदू की भी यहां पर क्लियर कर दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चंदन। नेक्स्ट लिखा मैंने क्या भाई? चंदन। चंदन के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, बताने की मुझे कोई आवश्यकता है ही नहीं। चंदन के बारे में आप बहुत अच्छे से, भली भांति से, बढ़िया अच्छे तरीके से जानते हो। क्या इसके बारे में भी बताने की जरूरत है क्या भाई? मुझे बताओ, चंदन के बारे में बताने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। पहले तो क्लियर करते हैं भाई, चंदन का जो पेड़ है वो किस काम में? ध्यान रखना, चंदन का पेड़ किसके लिए फेमस है? खुद की सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सुगंध के लिए। सुगंध के लिए फेमस है
चंदन का वृक्ष किसके लिए? सुगंध के लिए। ध्यान रखना, अरे चंदन वही चंदन है जिसे घिसते हैं और सिर के ऊपर लगाते हैं ना, सिर के ऊपर चंदन ठंड करता है अपने। तो अब देखो इस पेड़ की जो तास होती है वो कैसी होती है, ठंडी होती है, और ठंडी होने की वजह से सांप रहते हैं इसके आसपास। इसके आसपास क्या रहते हैं? इसके आसपास सांप रहते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडा होता है ये, ठीक है ना। चंदन के वृक्ष की बात करते हैं, चंदन के वृक्ष की एक बहुत बढ़िया बात क्या है, इसके जो ऊपर की छाल होती है, ये छाल तो होती है इसकी सफ़ेद, और जो ये काम में लिया जाता है ना, तो इसके अंदर से होती है ब्राउन कलर की, भूरे रंग की होती है चंदन की लकड़ी, ठीक है। और उस भूरे लकड़ी को ही काम में लिया जाता है, उस भूरी लकड़ी को काम में लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चंदन की वृक्ष का रंग कैसा होता है अगर आपसे कोई पूछे तो बताओ, सफ़ेद बताओगे या भूरा बताओगे? तो भूरा, ब्राउन। इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। चंदन के वृक्ष का जो कलर है यह ब्राउन होता है। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया और अभी तक, तो लाइक कर दीजिएगा। वाकई में आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बहुत काम की मिलेगी। क्लियर। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि चंदन के वृक्ष भारत में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रत्येक स्टूडेंट को यहाँ पर आंसर पता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। जो शुष्क स्थान होते हैं वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, जेनी राजपूत, हेलो, बिल्कुल, नमस्कार, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर बात किसकी की, बात की हमने यहाँ पर किसके कलर की, कि चंदन का रंग कैसा होता है, तो चंदन के वृक्ष का रंग भूरा होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर ये पाया कहाँ पर जाता है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर हुई भाई यहाँ तक की बात? चलूँ आगे, ठीक है। चलो इसके बाद फिर चलते हैं, एक एक वृक्ष लिख लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं, ये वृक्ष सुमेलित करवा लेता है। इधर पेड़ों के नाम लिख देगा, इधर स्टेट के नाम लिख देगा, कहेगा कि सुमेलित करो, इनको मिलाओ आपस में। ऐसे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं इन पेड़ों से, इसलिए पढ़ा रहा हूँ भाई कि आप लोग कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़े, ठीक है ना। उम्मीद सिंह, गुड आफ्टरनून। देखो अब बात करते हैं अगला, एक पेड़ का नाम है हल्दू। नाम सुना होगा, अब बहुत सारे बच्चे होंगे उन्होंने तो हल्दू का नाम ही नहीं सुना कि हल्दू क्या है। हल्दू एक पेड़ है। इस पेड़ की जो लकड़ी होती है ना, हल्दू की, सुना है क्या नाम? बताओ हल्दू का नाम किस किस स्टूडेंट ने सुना है, ठीक है। तो हल्दू की जो लकड़ी होती है लचीली। कैसी होती है? लचीली। इसे कैसे भी काट लो, यह बिल्कुल उसी साँचे में ढल जाती है जिसमें आप इसको डालना चाहोगे, ठीक है। तो ये हल्दू की जो लकड़ी है, हल्दू का जो वृक्ष है, इसकी लकड़ी किस काम में आती है? खिलौने बनाने के काम में आती है। इसकी जो लकड़ी है वो किस काम में आती है? खिलौने बनाने के काम में आती है। हल्दू की लकड़ी किस काम में आती है? खिलौने बनाने के काम में आती है हल्दू की लकड़ी। किसकी लकड़ी? हल्दू। अब दिमाग में यह आता है कि यह हल्दू कहां पर पाया जाता है, तो यह हल्दू सर्वाधिक पाया जाता है MP, बिहार, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में यह पाया जाता है। कौन सा पेड़? हल्दू का पेड़। किसका? हल्दू का पेड़। तो आज आपने कहा कि नहीं पता, तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा आज की क्लास के बाद कि हल्दू का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी सॉफ्ट होती है, किसी भी साँचे में उसको आप डाल सकते हो, और इसे जो काम लेते हैं मेन रूप से किस काम लेते हैं? खिलौना बनाने के काम में इसको लिया जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? ये MP, बिहार और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो बिल्कुल बताओ, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न गलत कर सकते हो क्या आप? मुझे तो पता है कि अब आपसे ऐसे छोटे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला पेड़ का नाम है धोकड़ा। अगले पेड़ का नाम क्या है? धोकड़ा। सुना है धोकड़े का नाम? तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, धोकड़े की बात करें तो यह जो वृक्ष है इसकी लकड़ी क्या होती है? कठोर होती है। क्या होती है? कठोर। और कठोर होने के कारण यह आती है कोयला और जल यान बनाने के काम में। देखो एक पेड़ है जिसका नाम है धोकड़ा। ये जो धोकड़े का पेड़ है, ये धोकड़ा जो पेड़ है, ये किस काम में आता है? ये आता है, इसकी जो लकड़ी है ये कठोर होती है, हार्ड होती है, जिससे कोयला बनाने में, लकड़ी के कोयले बनते हैं ना, तो वो कोयला बनाने के काम में आती है, ठीक है ना। बिल्कुल अजय। और यहीं पर बात करें कि इसकी जो लकड़ी है ये कोयले के साथ में जलयान निर्माणों के काम में भी
आती है, किसकी लकड़ी? ढोकड़े की। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये यूपी, पूर्वी राजस्थान और एमपी में पाया जाता है। ये यूपी, पूर्वी राजस्थान और एमपी में पाया जाता है। कौन सा पेड़? ढोकड़े का पेड़। किसका पेड़ पाया जाता है? ये ढोकड़े का पेड़ आपके यूपी, पूर्वी राजस्थान और एमपी में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। बिल्कुल, यह कोयला बनाने के काम में आता है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नाम सुना होगा आपने बेत, बेत का वृक्ष, बेत का वृक्ष, बेत का वृक्ष नाम सुना है ना, बेत का वृक्ष। चलो बताओ ये बेत का वृक्ष किस काम में आता है? बेत का वृक्ष किस काम में आता है? तो ये बेत का वृक्ष किस, देखा तो मुश्किल से किसी ने नहीं होगा, पर जानते सब होंगे कि कभी आप लोगों ने लकड़ी की चटाइयां देखी है क्या? लकड़ी की चटाई, लकड़ी का टोकरा, ऐसे बने हुए सामान देखे ना लकड़ी के? बिल्कुल बिल्कुल देखे है ना। तो लकड़ी की चटाइयाँ, उसके टोकरे, उसके जो फर्नीचर होते हैं, तो ये लकड़ी की चटाइयाँ बनाने के काम में आती भाई। ये चटाई बनाने से जो रस्सी नुमा आकृतियाँ हैं वो बनाने, ये बेत उस काम में आता है। और ये बेत के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं कर्नाटक में। और कहाँ पर होता है? असम में। बेत के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं कर्नाटक और असम में, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आपने लकड़ी की चटाइयाँ घर में ऐसे भी देखे होंगे ना कि बाहर पर्दों के रूप में लकड़ी की जालियाँ बनाते हैं, ठीक है ना? तो वो जितने भी है वो सबके सब किस काम में आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेटा राज। तो इस प्रकार से ये बेत सर्वाधिक कर्नाटक और कहाँ पर होता है? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बेत के बाद में चटाई इनके बनाने के काम में आते हैं। देखो नॉलेज आपको हर टाइप की होनी चाहिए। देखो मैं मेन स्टूडेंट उसे मानता हूँ जो कहीं से भी कोई छोटी सी बात भी किसी पूछ ले तो वह रुके नहीं, वह आंसर देने में सक्षम हो, ठीक है? देखिए नेक्स्ट है हमारा, अगला पेड़ है रोज वुड। ये तो नाम सुना होगा, रोज वुड। रोज वुड के बारे में बात पड़े, रोज, रोज का मतलब तो गुलाब होता है। गुलाब का रंग कैसा होता है भाई, बताओ कैसा होता है? लाल। तो ऑब्वियसली इस पेड़ की जो लकड़ी होती है वो अंदर से लाल कलर की होती है, जिस कारण इसे रोजवुड कहते हैं। पहला आंसर आपका क्लियर हो गया, क्लियर भाई? आगे बात समझ में। हमने क्या कहा? रोजवुड। रोजवुड की लकड़ी कैसी होती है? अंदर से इस रोजवुड की जो लकड़ी होती है वो एकदम लाल होती है, और रोज मतलब गुलाब का रंग भी लाल होता है, जिस कारण इसे रोजवुड कहते हैं। अब ध्यान रखना, यह रोजवुड की लकड़ी कठोर होती है या सॉफ्ट होती है? फटाफट से आंसर दो, हार्ड होती है या सॉफ्ट होती है, बताओ। देखिए अब आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, यहाँ से फिर मैं आगे चलूँगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि इस रोजवुड की लकड़ी हार्ड होती है या सॉफ्ट होती है, फटाफट से जवाब दे दो, फटाफट से आंसर आना चाहिए आप लोगों का, ठीक है? बताओ देखें कैसी होती है इस रोजवुड की लकड़ी, कैसी होती है? लाल कलर की, रेड रंग की होती है, ठीक है? और यह होती है हार्ड, यह कठोर होती है। कैसी होती है? हार्ड होती है। रविंदर, वीरा, बहुत बढ़िया। प्रीतम, सॉफ्ट नहीं होती बेटा, हार्ड होती है, ठीक है ना? बिल्कुल हार्ड होती है ये, मोनू सॉफ्ट नहीं होती भाई। इसकी लकड़ी कैसी होती है? हार्ड होती है, कठोर होती है। यह कहाँ पाया जाता है? यह पश्चिमी घाट, उड़ीसा, एमपी, ये पाया जाता है पश्चिमी घाटों पर, उड़ीसा में, एमपी में, इन स्थान नीलगिरी की पहाड़ियों में, यहाँ पर इनका विस्तार पाया जाता है। पश्चिमी घाटों पर, उड़ीसा, एमपी, यहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं कुछ पेड़ों के नाम और भी लिख रहा हूँ जो भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बेटा, ये ऐसे टॉपिक आपको बिल्कुल यहाँ पर ये पता होना चाहिए लकड़ियों के बारे में, इन पेड़ों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समझ पा रहे हो इन चीज़ों को, ठीक है? यहाँ पर देखो एक नाम लिखा मैंने, मोहंती। क्या नाम लिखा? मोहंती। मोहंती का एक पेड़ होता है, मोहगंती भी बोलते हैं, मोहगंती, ये लोग मोहगंती, ठीक है? एक पेड़ होता है मोहगंती का, एक होता है आबनूस का पेड़। ये बहुत एग्जाम में पूछता है, आबनूस का पेड़ होता है। किसका होता है? आबनूस का पेड़ होता है। और एक होता है एबोनोसी, एबोनी, एक होता है एबोनी का, ए
वो नी का पेड़ होता है, एक होता है और रोजवुड तो ही बेत ही। तो ये जो पेड़ है ना, एक दो तीन और चारों, ये जो पेड़ है मैं आप लोगों से यहाँ जानना चाहूंगा कि ये कौन से वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये कौन से वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए पतझड़ी में, ऑप्शन बी सदाबहार में, ऑप्शन सी पर्वतीय में, और ऑप्शन डी दलदलीय में। बताओ ये चारों प्रकार के जो टाइप हमने लिखी है 1, 2, 3 और 4, ये पेड़ किन में से किसका है प्रारूप है? देखो बताना पड़ेगा आप लोगों को, मजा तभी आएगा। ठीक है, तो मुझे फटाफट से बता दो कि यह किस प्रकार की वनस्पति में आते हैं, पतझड़ी वनस्पति में, सदाबहार वन प्रदेशों में, पर्वतीय में या दलदली में। देखिए कौन सा स्टूडेंट इसका सबसे पहले जवाब देता है, तो यहाँ पर सुनील कह रहा है बी सदाबहार बता रहा है, पीके यहाँ पर ए बता रहा है, देखो मैं सभी के आंसर पढ़ रहा हूँ, अपेक्षा जी यहाँ पर सी बता रही है, रविंदर बी बता रहा है, मनीष यहाँ पर बी बता रहा है, उम्मीद बी बता रहा है। ठीक है, बिल्कुल आप आंसर दे रहे हो बिल्कुल बिल्कुल। और जिन स्टूडेंटों ने यहाँ पर बिल्कुल पूजा आपका जवाब गलत है, जिन्होंने यहाँ पर आंसर दिया है कौन सा सदाबहार वनस्पति या वन प्रदेशों में पाए जाते हैं, उनका आंसर 100% सही है बी। वीरा गलत जवाब आपका, यहाँ पर राइट जवाब क्या होगा बी, मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी 2 दिन पहले पढ़ाया था भाई, भूल गए ना आप लोग, अभी कल परसों ही तो पढ़ाया था, आप लोग भूल गए ना। नेहा गुप्ता बिल्कुल सही जवाब, तो बिल्कुल ध्यान रखना यह सदाबहार वन प्रदेशों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। किसमें? सदाबहार वन प्रदेशों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो मेरे स्टूडेंटों आप यहाँ पर इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न गलत कर नहीं आओगे, साफ सुन लो, ठीक है ना, तो ऐसे प्रश्न आप लोगों को गलत नहीं करने हैं, क्लियर सुन लीजिएगा। चलें आगे, तो ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर किसकी, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर प्रमुख वृक्षों की, तो रोजवुड, मोगंती, आबनुस, एविनोस, ये सारे के सारे जो चार नाम मैंने बोले ये सदाबहार वन प्रदेशों के पार्ट है। इनकी बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पश्चिमी घाटों पर ओडिशा एमपी वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो बात करते हैं इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और मैंने यहाँ पर एक पेड़ का नाम लिखा जिसका नाम है सागौन, सागौन, और इस सागौन को ही सागवान बोलते हैं भाई, सागवान को ही क्या बोलते हैं, सागवान। अब मुझे ये बताओ सागवान के बारे में, बिल्कुल बेटा हिंट दे दिया था मैंने, सागवान की बात करें तो बताओ सागवान या सागवान जो ये पेड़ है, ये पेड़ है ये पूर्ण रूप से काम में किसके आता है? तो मुझे पता है शायद ही कोई सा स्टूडेंट होगा जो इसका जवाब नहीं दे पाए, यह पाया जाता है आपके सर्वाधिक, ये किस काम में आता है, फर्नीचर बनाने के, किस काम में आता है भाई, आपके फर्नीचर बनाने के काम में आता है, इमारती लकड़ी है भाई, ये कौन सी लकड़ी है, ये इमारती लकड़ी है। अब ये इमारती लकड़ी है, फर्नीचर बनाने के काम में आता है, तो बताओ ये मूल्यवान होगी या नहीं होगी, बिल्कुल घर के निर्माण में, मनीष शाबाश, बिल्कुल पीके बहुत बढ़िया। तो बताओ ये जो लकड़ी है ये इमारती लकड़ी है, ये मूल्यवान होगी, व्यापारिक होगी या नहीं होगी, ये लकड़ी कैसी होगी, व्यापारिक होगी, मूल्यवान होगी, बहुत ज़्यादा काम में ली जाएगी ऐसी कंडीशन में, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी का रूप होती है भाई। कहाँ पर पाई जाती है, यह पाई जाती है एमपी में सर्वाधिक, एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक सागवान के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, एमपी में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में कहाँ पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में यह वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो मेरे भाइयों आपको यह पता होना चाहिए कि एमपी में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी प्रदेशों में पाए जाते हैं सागवान के वृक्ष, और यहाँ से यह प्रश्न तो कभी भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक सागवान के वृक्षों का विस्तार कौन से राज्य में है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कोई स्टूडेंट इसे गलत कर सकता है, सागवान फर्नीचर इमारती लकड़ी है जो सर्वाधिक एमपी छत्तीसगढ़ नीलगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त होती है। और अगली वनस्पति का मैंने नाम लिखा देवदार।
अगली वनस्पति मैंने क्या लिखी है, मैंने लिखा है देवदार। देवदार की बात करें तो ये बताओ कहाँ पर पाई जाती है, पर्वतीय प्रदेशों में या मैदानों में या पठारों पर? आंसर दे दो, सबको पता है इसका आंसर। सोनू शर्मा, राम राम भाई, राम राम। जिन्होंने वीडियो को लाइक और नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा और शेयर किया करो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा मैं फिर कह रहा हूँ, ये चैनल आप स्टूडेंटों का है। आप स्टूडेंटों को इस चैनल को आगे की ओर बढ़ाना है, कंटिन्यू और लगे रहना है, और जब आप लोग ये काम करोगे तभी इस चैनल की आगे बढ़ेगा, तो हम लोग इसको और मेहनत कर सकेंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल सभी के जवाब से पर्वत 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 आ रहा है भाई, क्या बात है, पर्वतों पर। कोई कोई हिमालय भी बोल रहा है, हिमालय भी बता रहा है के एम, गुड आफ्टरनून भाई, ठीक है, फटाफट से, बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना, यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है कि ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ है, ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और इनकी खुद की ऊंचाई कितनी होती है, 30 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर तो पाए जाते हैं, और इस पेड़ की खुद की ऊंचाई कितने मीटर होती है, इस खुद की पेड़ की ऊंचाई होती है 30 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। बात करें इसकी, इसकी जो ऊंचाई वो 30 मीटर होती है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है भूरा, ठीक है। और बात करें कि इसकी पत्तियां कैसी होती है, तो पीली होती है। इसकी देवदार की पत्तियां कैसी होती है कि पीले रंग की इसकी पत्तियां होती है। चलो बताओ, ये जो देवदार का पेड़ है ये कठोर होता है या सॉफ्ट होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी लकड़ी क्या होती है, कठोर होती है, हार्ड होती है, ठीक है। देवदार की लकड़ी कैसी होती है, हार्ड होती है। देवदार की लकड़ी कैसी होती है, इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। और इसकी पत्तियां कैसी होती है, इसकी पत्तियां पीली होती है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कितने मीटर इसकी ऊंचाई होती है, 30 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। यह ध्यान रखना, इसके पेड़ से क्या बनाया जाता है, इसके पेड़ से सुगंधित तेल बनाया जाता है। इसके देवदार के पेड़ से क्या बनाते हैं, सुगंधित तेल बनाया जाता है। देवदार के पेड़ों से सुगंधित तेल बनाया जाता है, और ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कहाँ पाई जाती है ये। तो ये हिमाचल प्रदेश के यहाँ से पाई जाती है। अब हिमाचल प्रदेश में भी पर्टिकुलर बात करें तो चंपा घाटी का नाम आपने सुना होगा, चंबा घाटी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में भी बात करूँ चंबा घाटी यहाँ से पाई जाती है। और कहाँ तक पाई जाती है, तो यह पाई जाती है पश्चिम हिमालय के गढ़वाल नामक स्थान तक, गढ़वाल तक ये पाई जाती है, कह सकते हो ये पाई जाती है पश्चिमी हिमालय पर, पश्चिमी हिमालय पर यह पेड़ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह पेड़ सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी हिमालय में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किसके, देवदार के पेड़। आ गई ना बात समझ में? तो हमने बात किसकी की, बात की हमने देवदार के पेड़ की। और जब देवदार के पेड़ की बात की तो क्या कहा कि ये 2000, लिख लेना जिन्होंने उतारा नहीं है, नोट करते हुए चलना, छोटी छोटी सी बातें बहुत एग्जाम में काम में आती है। देवदार का जो पेड़ होता है ये 2000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर होता है, इसकी खुद की ऊंचाई 30 मीटर होती है, लकड़ी हार्ड होती है इसकी, ठीक है ना। और किस किस काम में आता है, सुगंधित तेल बनाने का काम आता है। रंग इसका भूरा होता है, पत्तियां पीली होती है। कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी हिमालय पर पाया जाता है। सीधे पे में स्टेट का नाम लेकर पूछता है तो हिमाचल प्रदेश कर देना, आपका जवाब एक बार में बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखो एक पेड़ का नाम लिख रहा हूं मैं, बताना, सिनकोना, सुना है नाम सिनकोना का? चलो बताओ मुझे, तो एक छोटी सी बात बताओ, तो सिनकोना का नाम सुना है ना आप लोगों ने, ये सिनकोना का पेड़ या इसकी छाल किस काम में आती है? लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। सिनकोना की छाल किस काम में आती है, ये बहुत सारे स्टूडेंटों को पता है। एक बीमारी है, बीमारी जिसमें बुखार आती है, ठंड लगकर सर्दी लगकर बुखार आती है, उसकी दवाई बनती है इससे। बताओ क्या आएगा नाम, बताओ बताओ फटाफट से, कमेंट्स देख रहा हूं मैं आप लोगों के, क्या नाम आएगा, किसकी दवाई बनती है इससे, ठंड लगकर बुखार आती है, कौन सी बीमारी है वो? तो सिनकोना की छाल किस काम में आती है, यह आती है, बताओ फटाफट से, कौन बता पाता है? बिल्कुल, यह हुई ना बात यादव,
बिल्कुल यादव ने बिल्कुल सही कहा, मलेरिया की दवाई बनाने में, मलेरिया तो मलेरिया की दवा बनाने के काम में आती है। किसकी छाल? सिनकोना की, कुनेन नामक जो दो गोलियां होती है वो इससे बनाई जाती है। ये हुई ना बात, यानी सर्दी लगने का नाम लेते तो बीमारी का नाम ही लिख दिया आपने, क्या बात है। तो इस प्रकार से बिल्कुल ध्यान रखना, जो मलेरिया की कुनेन नामक जो गोलियां आती है वो इसी की छाल से, सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। ये सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बताया सबने। ठीक है, चले आगे। अगला है पेड़ का नाम फर्न। फर्न बताओ, ये फर्न का जो वृक्ष है, ये फर्न का जो वृक्ष है इसकी क्या विशेषता है, कौन बता सकता है? फर्न के वृक्ष की क्या विशेषता है, कौन सा स्टूडेंट बताएगा इसकी, फर्न की पेड़ की क्या विशेषता है? फर्न, तो ध्यान रखना इसकी एक ही विशेषता है जो आप में से कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, ये फूल और बीज दोनों ही नहीं आते इस पेड़ के, फूल और बीज रहित वृक्ष है। फर्न का जो पौधा पेड़ है ये फूल भी नहीं होते और इसके बीज भी नहीं होते। तो एग्जाम में क्यों नहीं पूछ सकता कि वह कौन सा पेड़ है या वह कौन सी वनस्पति जो भारत में पाई जाती है इसके फूल और पेड़ बीज दोनों ही नहीं होते? तो फर्न के फूल व बीज नहीं होते। एग्जाम में कोई बड़े भूत जैसे क्वेश्चन नहीं पूछता, ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन पूछता है। जब आप लोगों को ये राइट टाइम पे याद नहीं आते तो 12 बज जाती है एग्जाम में। तो ध्यान रखना एग्जाम में पूछने पर कि फर्न का जो पेड़ है इसकी क्या विशेषता है, तो इसके फूल और बीज इसके नहीं होते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल, कहाँ पाया जाता है? तो मध्य भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार है भाई, मध्य भारत में ये पेड़ पाए जाते हैं। फर्न के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य भारत में फर्न के पेड़ों का विस्तार पाया जाता है। तो बताओ ऐसे क्वेश्चन आने पर आप लोग गलत कर सकते हो क्या? इसे नहीं कर सकते ना। चले आगे, नेक्स्ट पढ़े। चलिए नेक्स्ट, मुझे पता आप देखते हैं इसका जवाब दे दोगे, आप लोगों को सबको पता आएगा जिस पेड़ का नाम मैं लिखने जा रहा हूं। नेक्स्ट है मेरा सामने चीड़। चीड़ का वृक्ष, चीड़ का वृक्ष, चलो बता दो चीड़ का वृक्ष ऊंचाई पे या नीचाई पे कहां पाया जाता है, पर्वतों पे या मैदानों में? चलो बताओ बताओ फटाफट से। चीन का वृक्ष, चीड़ का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल बता दो फटाफट से। ये हुई ना बात मनीष, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा, ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलते हो तब मजा आता है स्टूडेंटों के साथ पढ़ाने में। देखो चीड़ का वृक्ष, चीड़ के वृक्ष की बात करें तो ये भी हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में ही पाया जाता है, ऊंचाई पर पाया जाता है। राज बहुत बढ़िया, ठीक है यादव बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल ये लो आंसर बताना शुरू कर दिया आप लोगों ने, तो बिल्कुल यह 2500 लेकर 3500, 2500 मीटर से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है भाई, की ऊंचाई पर पाया जाता है। किसके पेड़? चीड़ के वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? कश्मीर से भूटान तक इनका विस्तार है, कश्मीर से लेकर भूटान तक इनका विस्तार है, मतलब हिमालय पर। तो कहां पर पाए जाते हैं? कश्मीर से लेकर भूटान, कश्मीर से लेकर भूटान तक इनका विस्तार पाया जाता है। तारपीन का तेल इसी से निकाला जाता है। बहुत बढ़िया पीके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल तारपीन का तेल इसी से निकाला जाता है। बिल्कुल, तो ध्यान दीजिएगा यह चाय की पेटियां बनाने, माचिस उद्योग, फर्नीचर व रेगजिन आदि कामों में भी लिया जाता है। इसका उपयोग रेगजिन, ठीक है, पैकिंग के जो डिब्बे नहीं आते हैं, लकड़ी के डिब्बे आते हैं जिसमें आपने देखा होगा काफी ऐसे पेटियां आती है बिल्कुल लकड़ी की, वो लकड़ी की जो पेटियां बनी होती है ना वो चीड़ के वृक्ष की बनी होती है, पैकिंग में नहीं आती है वो, एप्पल वगैरह पैकिंग जो विस्मित आती है, एप्पल वगैरह किसमें, लकड़ियों में पेटी में पैक होकर, वो जो पेटी बनी होती है ना वो किसके वृक्ष की बनी होती है? चीड़ के वृक्ष की। और बिल्कुल सही कहा, तार, और किसकी? तार पिन का तेल, तार पिन का तेल,
इसी से बनाया जाता है। किसके पेड़ से? चीड़ के वृक्ष से बनाया जाता है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने यहां पर बिल्कुल राइट जवाब दिया। मनीष मघेले सर आप मेरे कमेंट्स देखते ही नहीं हो। अरे बिल्कुल बेटा देखता हूँ ना, देखो अभी नाम लिया आपका मनीष, ठीक है। तो ध्यान रखना तारपीन का तेल इसी से बनाया जाता है, चीड़ के वृक्ष से बनाया जाता है, ठीक है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, अगर आपको फिर भी लग रहा हो कि मैं नहीं बताया इस जगह पर, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स में बिल्कुल जवाब अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा, जवाब आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। नीला पाइन, अगला पेड़ का नाम है नीला पाइन। चलो बताओ, नाम ही नहीं सुना हो बोल सारे ने तो इसका, नीला पाइन का बताओ, सुना है क्या नाम नीला पाइन? अब जो नीला पाइन है ये पाया जाता है कश्मीर से लेकर सिक्किम तक, वही ऊंचाई ऊपर है। कितनी ऊंचाई पर? 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। मतलब कहां पर हो गया? हिमालय में हो गया। हिमालय में कहां पर? तो कश्मीर से लेकर सिक्किम तक, कश्मीर से लेकर सिक्किम तक किस पेड़ का विस्तार है? नीले पाइन के पेड़ों का विस्तार है। वही काम में आते हैं फर्नीचर बनाने और रेल के डिब्बे। ध्यान रखना रेल का डिब्बा तो ऐसा आइटम है जो कि बहुत सारे पेड़ों की लकड़ियां उसमें काम आती है, रेल के डिब्बे बनाने में। ध्यान रखना इस बात का, नहीं सुना तो बिल्कुल इसे सुन लीजिए। आज नीला पाइन है यह फर्नीचर बनाने और रेल के डिब्बे बनाने के काम में लिया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो कश्मीर से लेकर और सिक्किम तक यह पाया जाता है। स्प्रूस, नेक्स्ट पेड़ का नाम है स्प्रूस। चलो बताओ स्प्रूस की लकड़ी कैसी होती है, हार्ड या सॉफ्ट? आप लोगों से पूछने में बड़ा मजा आता है क्योंकि आप लोग जब आंसर देते हो कमेंट्स में तो लगता है कि वाकई आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो। बताओ स्प्रूस का जो पेड़ है, स्प्रूस का जो पेड़ है, मुझे फटाफट से आंसर दीजिएगा, ये स्प्रूस का जो पेड़ है इसकी लकड़ी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है या हार्ड होती है? जल्दी से जवाब दे दो। मैं बता देता हूँ ये कितने मीटर की ऊंचाई पाया जाता है, ये 2100 मीटर से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ओब्वियसली वही आंसर हो गया, क्या हिमालय पर पाया जाता है, ठीक है। पर मुझे तो ये बताओ स्प्रूस की लकड़ी कैसी होती है, पीके का मैंने तो सुना ही नहीं। बहुत सारे बच्चे तुक्के लगा रहे, पूजा साहू ने भी तुक्का लगा दिया हार्ड होती है, ठीक है, नेहा गुप्ता ने भी तुक्का लगा दिया यहाँ पर सॉफ्ट होती है, ये इनके मन के आंसर है। मोजी भी यहाँ पर मन से आंसर दे रहा है, नो बता रहा भाई नहीं पता, सुना ही नहीं, पहली बार सुना है। तो बिल्कुल आपने जो आज पहली बार सुना है तो आपको पता होना चाहिए जो स्प्रूस के पेड़ है उनकी लकड़ी सॉफ्ट होती है अपेक्षा जी, हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट होती है। ध्यान रखना यहाँ पर मुलायम होती है, बिल्कुल बेटा मनीष मुलायम होती है। तो स्प्रूस की लकड़ी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। स्प्रूस की लकड़ी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। बिल्कुल सही जवाब दिया जिन्होंने, मुलायम और सॉफ्ट बोला। ये कहाँ पाई जाती है? ये भी हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। कौन से हिमालय प्रदेशों में? पश्चिमी हिमालय प्रदेशों में, जम्मू हिमाचल उत्तराखंड, यहाँ पर यह पाया जाता है। अगला पेड़ है साल। अगला पेड़ का नाम क्या है? साल के वृक्ष। अब ये मुझे तो एक छोटा सा जवाब चाहिए कि साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। सीधी सी जवाब है, साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं तो बता दो, कांगड़ घाटी हिमाचल प्रदेश। कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश। असम में भी पाया जाता है, यूपी में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूपी में भी पाया जाता है साल के पेड़। उत्तराखंड में पाए जाते हैं, उत्तराखंड में, एमपी में भी पाया जाता है। ये नहीं कि आप हिमालय को लिखकर छोड़ दो, एक हिमालय नहीं, हिमालय के अलावा बहुत सारे स्थानों पर इसका विस्तार पाया जाता है। किसके पेड़ का? साल के पेड़ों का विस्तार केवल आप हिमालय के लिखकर लिए लिखकर नहीं छोड़ सकते, बहुत सारे स्थानों पर इसका विस्तार पाया जाता है। सबसे पहले बात करें तो सर्वाधिक हिमालय के बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, बाकी एमपी यूपी में भी इसका विस्तार पाया जाता है। किसके पेड़ों का? साल के पेड़ों का। नेक्स्ट है वालनट। बताओ वालनट का उपयोग किन कामों में लिया जाता है? वालनट का जो वृक्ष है, मैंने कहा था ना ये मेरी क्लास से आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, आपकी नॉलेज बढ़ाने में बहुत जबरदस्त तरीके से काम आएगी। बताओ वालनट। अब बहुत सारों ने वालनट का नाम भी सुना है क्या?
वालनट का नाम सुना है कभी? वालनट का नाम किस काम में आते हैं? वालनट के वृक्ष की लकड़ी। बिल्कुल नेहा छत्तीसगढ़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ वालनट की लकड़ी किस काम में आती है? कौन बताएगा? देखो मान जाऊं मैं। चलो ऑप्शन दूं आप लोगों को, ऑप्शन चाहिए तो यस लिख दो सब, ऑप्शन चाहिए तो यस लिखो, ऑप्शन चाहिए। हाँ बस ऑप्शन के पीछे दौड़ते हो। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों की खुशी के लिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सबसे पहले लिखा हूं यहां पर फर्नीचर में, फर्नीचर बनाने में। ऑप्शन बी, पहला आंसर कोई नहीं देगा, पहले ध्यान से सुन लो। ऑप्शन रेलवे जहाज के डिब्बे बनाने में। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्रिकेट के बल्ले बनाने में। और ऑप्शन डी वाद्य यंत्र बनाने में। चलो आंसर दो, क्या आंसर आता है देखते हैं फटाफट से। यस, बस ऑप्शन के नाम पर तो ऐसे बिंदास हो जाते हो आप लोग, मजा आ जाता आपको कि ऑप्शन दे दिया सर ने, ठीक है। चलो बताओ फटाफट से किस काम में आता है? फर्नीचर बनाने, रेल के डिब्बे या जहाज बनाने के काम में, क्रिकेट के बल्ले बनाने या वाद्य यंत्र बनाने के काम में? फटाफट से आंसर दे दीजिएगा, देखता हूं कि किस स्टूडेंट का आंसर सबसे पहले आता है। तो यहां पर सी आंसर दिया है सुनील ने, डी आंसर दिया है पीके ने, और पदम ने भी डी दिया है। यहां पर मोनू ए बता रही है, जितेंद्र सी बता रहा। फटाफट से जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी जल्दी जल्दी, देख कौन से स्टूडेंट जल्दी आंसर दे रहे हैं। तो यहां पर प्रत्येक उस स्टूडेंट का आंसर 100% सही है जिन्होंने जवाब दिया है वाद्य यंत्र बनाने में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, वाद्य यंत्र बनाने में। वाद्य यंत्र क्या होते हैं? अरे भाई वाद्य यंत्र वो नहीं बताते, गिटार वगैरह में इनमें काम में लेते हैं लकड़ी, हारमोनियम में इनमें लकड़ी से बनती है ना ये, तो वाद्य यंत्र। अरे सी आंसर गलत है भाई, डी करो। वाद्य यंत्र बनाने के काम में लेता है किसकी? वाद्य यंत्र बनाने के काम में लेता वालनट की लकड़ियों को, बिल्कुल वाद्य यंत्र बनाने के काम में लिया जाता है। और जो स्टूडेंट यहां पर कह रहे थे ना सी क्रिकेट के बल्ले बनाने में, तो लकड़ी का नाम सुनो विलो, विलो का जो वृक्ष है इससे बनाए थे क्रिकेट के बल्ले। क्रिकेट के बल्ले बनाने में कौन से वृक्ष की लकड़ी काम आती है? विलो की, विलो नामक पेड़ की लकड़ी काम में आती है। तो मैंने कहा था ना कि आपकी क्लास बहुत मजेदार होगी, बहुत सारी चीजें नई सीखने के लिए मिलेगी। ये क्रिकेट के बल्ले आईपीएल में लगते हुए छक्के चौके देख रहे हो ना, ये आईपीएल के छक्के चौके जो किस बल्ले से लग रहे हैं, किसकी देन है ये विलो के वृक्ष की देन है। किसकी देन है ये? विलो के वृक्ष की देन है, बिल्कुल बेटा अजय। वो विलो के वृक्ष बनाए जाते हैं, विलो के वृक्ष की लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो वही उत्तरी पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं, कश्मीर हिमाचल मेघालय, कश्मीर हिमाचल मेघालय इन प्रदेशों में, वही पर्वतीय प्रदेशों में इसका विस्तार पाया जाता है। एक और लिख देता हूं, कौन सा? साइप्रस। ये साइप्रस कहां पाया जाता है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में साइप्रस सर्वाधिक पाया जाता है। बहुत बढ़िया उम्मीद, विलो की लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। आई बात समझ में? देखो आप लोगों ने आज कितने पेड़ों के बारे में सुना, उनकी नॉलेज ली, छोटी छोटी सी जानकारियां ली। मैं कह रहा हूं कि ये सारी जानकारियां आपके बहुत कारगर साबित होगी। एक प्रश्न पूछ लेता हूं मैं आपसे, पूछ लूं फटाफट से। चलिए तीनों चीजें क्लियर हो गई, वालनट विलो, और मेरे मन में एक प्रश्न पूछने की इच्छा हो रही है। आपने कभी वर्ध व्यक्तियों के हाथ में छड़ी देखी है क्या? छड़ी, बेंत, छड़ी देखी? छड़ी वर्ध व्यक्तियों के हाथ में होती है, देखी है? उसमें देखो कितनी मजबूत होती है वो, पर उसमें वजन नहीं होता है, ठीक है। कभी आपने पुराने जमाने के छत्ते देखे क्या? छत्ते पुराने जमाने के जिसमें लकड़ी लगी होती थी बीच में, देखे छत्ते? तो उनकी लकड़ी कितनी हल्की होती थी, पर उनकी लकड़ी हल्की होती थी पर मजबूत कितनी होती थी, देखे आपने कभी ऐसे लकड़ी के छत्ते देखे आपने? आपने लकड़ी की वो देखी है चढ़ी जो दादाजी इन वर्ध व्यक्ति के पास में होती है? हाँ देखी है, सभी ने देखी है ना।
तो मुझे ये बता दो वो कौन से पेड़ की लकड़ी है, वो कौन से पेड़ की लकड़ी है। अरे आप वो नहीं देखते घरों के बाहर लकड़ी की नेम प्लेट होती है, घरों के बाहर लकड़ी की नेम प्लेट होती है क्या? देखिए ना वो किस कौन से पेड़ की होती है, घरों के बाहर नेम प्लेट लगी होती है लकड़ी की, बताओ कौन से पेड़ की होती है वो, आंसर दो मुझे, बताओ कौन से पेड़ की होती है, देखिए बताओ पेड़ बताओ। बिल्कुल उस पेड़ के बारे में पढ़ाया मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले, आबनुस पेड़ की लकड़ी होती है वो, आबनुस पेड़ की लकड़ी होती है, आबनुस पेड़ की लकड़ी होती है, असम में पाई जाती है, मध्य पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है, आबनुस की लकड़ी होती है। किसकी लकड़ी होती है वो? आबनुस की। तो वाकई में आपको लग रहा है कि नहीं चीज़ें आज आपको कहीं भी नई जानकारी मिली है, तो मुझे यहाँ पर यस का जवाब दे दीजिएगा, थंब का जवाब दे दीजिएगा कि वाकई में आप लोगों को आज काफ़ी चीज़ें नई सीखने के लिए मिली है और लगता है कि नहीं मज़ा आ रहा है क्लास में। तो वीडियो को लाइक और शेयर में कोई कमी आप लोगों की तरफ से नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, आ रही है बात समझ में? तो बिल्कुल ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पास कराने के लिए कारगर साबित होंगे, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में पास कराने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपको एक बेहतरीन स्टूडेंट बनाने के लिए कारगर साबित होंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें जो और भी स्टूडेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है ना। तो बिल्कुल हमारी मुलाकात कल फिर 3 बजे होने जा रही है आपके वही हंसते और मुस्कुराते चेहरों के साथ। मुझे बिल्कुल पता है कि मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर अभी वर्तमान में आपके चेहरे मुस्कुराते हुए हैं, ठीक है, और जो चेहरे मुस्कुराते हुए तो मुस्कुराता हुआ चेहरा यहाँ पर भेज दीजिएगा, मैं सबके आपके यहाँ पर कमेंट्स देख रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।